नमस्कार दोस्तों, भारत योगी पर आपका स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा समस्या है एक, उसका नाम है पेट फूलना। काफ़ी व्यक्तियों को यह रोग पीड़ित करता है। दोस्तों काफ़ी व्यक्ति इससे दुखी हैं, परेशान हैं। आज आप इस वीडियो के माध्यम से इसी से छुटकारा पाने का बिल्कुल आसान सा तरीका जान पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा, तभी आप इस नुस्खे का फ़ायदा उठा पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए बस आपको इतना करना है, जो आप यहाँ पर लाल अक्षरों में देख रहे हैं सब्सक्राइब लिखा हुआ है, ये वीडियो के नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और इसको क्लिक करने के बाद में ये जो आया हुआ है घंटी का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे नहीं तो आपको तुरंत मिल जाएगी, उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको सौंठ चाहिए, काली मिर्च चाहिए, अजवाइन चाहिए और काला नमक चाहिए। इन सबको बराबर मात्रा में आपको लेना है और इनको मिक्स कर लेना है। अब आपका ये चूर्ण बनकर तैयार हो चुका है। अब इस चूर्ण को लेना कैसे, इस चूर्ण को आप गर्म पानी से ले सकते हैं या फिर छाछ जिसको मट्ठा लस्सी वगैरह बोलते हैं इसमें डालकर आप इससे प्रयोग कर सकते हैं, इसको पी सकते हैं। अब इसको प्रयोग करने से होगा क्या, जो आपका पेट फूलने की समस्या है, ये जो रोग है, ये आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। बस दोस्तों बिल्कुल छोटा सा नुस्खा है, उम्मीद करता हूँ आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और दोस्तों इसी प्रकार के छोटे छोटे नुस्खे और ऐसी ही छोटी वीडियो आपको देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए यदि आपको अच्छी लगी, और शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी ये मिले। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। आप सभी को नमस्ते, जय आर्यभट्ट।